हेलो क्लास, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 13 आपको बताया था, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे और कुछ और डिटेल भी बताई थी। ठीक है, आज हमारा नया चैप्टर है चैप्टर 14। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए और वर्क पूरा करिए। ठीक है, आज चैप्टर 14 है। चैप्टर 14 का नाम क्या है? विद्युत धारा तथा इसके प्रभाव। विद्युत धारा क्या होती है? जैसे कि हमने आमतौर पर देखा होगा घर पर ही, कोई भी अगर हमें लाइट जलानी है, ठीक है, या हमें पंखा चलाना है, तो उसमें क्या होती है? विद्युत की ज़रूरत होती है, मतलब बिजली की ज़रूरत होती है, जो कि एक तार के माध्यम से ही वो क्या करती है, उस पर कनेक्ट होती है। ठीक है, अगर हमें कोई लाइट भी जलानी है तो एक तार से वो जब तक कनेक्ट नहीं होगा और जब तक हमारे घर में विद्युत नहीं होगी या बिजली नहीं होगी, तब तक कि कोई भी चीज़ हम कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ हम आसानी से नहीं चला सकते। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होती है कि जो हमारे उसमें काम करती है, जिससे हमारी जो लाइट या जो भी चीज़ें होती है वो जलती है, वो हमारी क्या होती है? विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है। इसमें हम आपको पहले एक्सरसाइज आपको बताएंगे। एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके कौन सी चीज़ को प्रदर्शित करती है? आपको पता है, जैसे आपने सेल देखा होगा, ठीक है, सेल में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, तो उसमें ये पूछ रहा है कि जो लंबी सी लाइन होती है, एक रेखा होती है, तो वो किसको निरूपित करती है? ठीक है, इस तरीके से चीज़ें बनी होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है? धनात्मक जो होता है, धनात्मक टर्मिनल को यूज़ करता है या प्रदर्शित करता है। ठीक, दूसरा हमारा जो दिया हुआ है पॉइंट, दूसरा पहले में हमारा क्या आएगा? धनात्मक। ठीक है, आप लोग के पास बुक होगी, बुक में आप देखिएगा, उसमें सब दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा हमारा है दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन। ठीक है, अगर हम दो या दो से अधिक जो विद्युत सेल है उनका हम अगर संयोजन कर रहे हैं, मतलब आपस में अगर दोनों को जोड़ रहे हैं, तो किसकी आवश्यकता होती है? बैटरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसकी आवश्यकता होगी, एक बैटरी होगी, उस बैटरी की आवश्यकता हमको पड़ती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमारा है, कह रहा है जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका क्या होता है? रंग लाल हो जाता है। ठीक है, इसमें जो पाए जाते हैं, जो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं विद्युत हीटर को, तो जब स्विच ऑन करते हैं तो धीरे धीरे जो तार होते हैं या स्प्रिंग तरीके से जो स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है? धीरे धीरे गर्म होने लगती है। गर्म होने के कारण क्या होती है? वो लाल हो जाती है। ठीक है, और हमें हीट मालूम पड़ती है कि ये हीट हो गई है। तो क्या होगा? यहाँ पर अवयव जो होते हैं वो इसमें काम करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा चौथा पॉइंट है, ठीक, वो क्या है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति। ठीक है, विद्युत धारा के जो तापीय प्रभाव होता है उसमें कौन सी युक्ति आधारित होती है? तो फ्यूज होता है। ठीक है, फ्यूज क्या है? इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जैसे हमने अगर नॉर्मल फ्यूज की बात करें, तो हमारे घर में जो लाइट होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? फ्यूज का यूज किया जाता है। अगर किसी कारण से हम बाहर चले जा रहे हैं घर के, तो हम अगर फ्यूज को हटा दें तो वहाँ पास जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो बंद हो जाएगी। इससे क्या होगी? हमारी जो बैटरी है या हमारे जो बिजली है वो भी बहुत ही कम यूज़ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको बचा भी सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम चैप्टर आज थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम और भी अधिक कई सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको करिएगा, जो न समझ में आया करें वो हमसे बताइएगा। ठीक, ओके, हैव अ गुड डे।